हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हम आरबीएसई बोर्ड 12th क्लास की इंग्लिश करते हैं और ये हमारा जो लेसन चल रहा है इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हमने पेनोरामा जो बुक थी उसके क्वेश्चन आंसर, मतलब उसके सारे लेसन्स, हमने 11 लेसन्स पढ़ लिए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए। हमने बुक जिसके अंदर जो अपनी पोइम्स थी उन पोइम्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रेनबो बुक को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो अब अपनी पूरी क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है ये लिखा है टिशानी दोषी ने, जो कि एक जर्नलिस्ट भी थी और डांसर भी थी। तो उन्होंने ये लेसन लिखा हुआ है और इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका के बारे में, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। तो अंतिम छोर के ऊपर अंटार्कटिका आता है, तो हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं अंटार्कटिका के बारे में। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट के लेसन की शुरुआत कर देते हैं, हिंदी ट्रांसलेट करते हैं इसका। अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरू में, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, अबोर्ड ए रशियन रिसर्च वेसल। अबोर्ड का अर्थ होता है स्टूडेंट सवार होना, रशियन मतलब रूस का, रिसर्च अनुसंधान को बोलते हैं, वेसल कहते हैं जलयान को, यानी पानी की नाव होती है बहुत बड़ी, उसको बोलते हैं। तो इस साल के शुरू के अंदर मैंने अपने आप को एक रूस के अनुसंधान जलयान के ऊपर सवार पाया, द अकेडमिक सोकेल्स की, और उस जलयान का नाम आप याद रख सकते हैं, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसका नाम था अकेडमिक सोकेल्स की। हीडिंग टुवार्ड्स द कोल्डेस्ट, अब हीडिंग टुवार्ड्स का अर्थ क्या होता है, की ओर रवाना होना। तो ये जलयान को लेकर के किसकी तरफ रवाना हुए थे वो आपको बताया है, द कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट यानी सबसे सूखा, विंडीएस्ट यानी सबसे हवादार, कॉन्टिनेंट कहते हैं महाद्वीप को। तो सबसे ठंडा, सबसे सूखा, सबसे हवादार महाद्वीप इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, और वो महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका। तो आप याद रखेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप है वो है सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा, सबसे सूखा हुआ और सबसे हवादार अंटार्कटिका जो महाद्वीप है पृथ्वी के ऊपर दुनिया के अंदर, उसकी तरफ ये अकेडमिक सोकेल्स की जहाज लेकर के रवाना हुए। माई जर्नी बिगेन, अब ये बताती है तिशानी दोषी राइटर कि मेरी यात्रा शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू करी थी इन्होंने यात्रा, फ्रॉम 13.09 डिग्री नॉर्थ यानी 13.09 डिग्री उत्तर दिशा से, ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के, इक्वेटर कहते हैं भूमध्य रेखा को, तो भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, इन मद्रास, मद्रास से शुरू करी थी। एंड इन्वॉल्व्ड, और इस यात्रा के अंदर शामिल थे, क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, समय 9 समय क्षेत्रों को पार किया था इस यात्रा के अंदर, 6 चेक पॉइंट, 6 चौकियों को पार किया था, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलपिंड पार किए थे यानी महासागर समुद्र पार किए थे 3, एंड एट लीस्ट, और कम से कम इतने ही एज मैनी इकोस्पियर्स, इतने ही हमने जैव मंडल पार किए थे, इकोस्पियर्स पार किए थे। तो इस पहले पैराग्राफ के अंदर आपको एक तो जहाज का नाम याद रखना है और ये याद रखना है अंटार्कटिका के बारे में, ये सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के अंदर, और जब इन्होंने यात्रा शुरू करी थी मद्रास की भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा से 13.09 डिग्री से, 9 समय क्षेत्रों को पार करके, 6 चौकियों को पार करके, 3 जलपिंड पार करके और इतने ही इकोस्फीयर पार करके ये अंटार्कटिका पर पहुंचे थे। बाय द टाइम, उस समय आई एक्चुअली सेट फुट, एक्चुअली करता था वास्तव में, सेट फुट मतलब कदम रखना, तो उस समय जब मैंने वास्तव में कदम रखा ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक महाद्वीप पर यानी अंटार्कटिका महाद्वीप पर जब हम पहुंच गए, तो मैंने जब उस महाद्वीप पर कदम रखा, आई हैड बीन ट्रेवलिंग, तो मैं यात्रा कर चुकी थी ओवर 100 आवर्स, लगभग 100 घंटे से भी ज़्यादा की यात्रा मैं कर चुकी थी, इन कॉम्बिनेशन ऑफ, इन कॉम्बिनेशन ऑफ का अर्थ होता है के मिश्रण में, यानी किस चीज़, किस किस चीज़ के द्वारा इन्होंने यात्रा की थी, एक कार से यात्रा कर चुकी थी, एरोप्लेन, एरोप्लेन से, एंड ए शिप और नाव से, तीनों को मिला करके मैं 100 घंटे से ज़्यादा की यात्रा कर चुकी थी। सो इसलिए माई फर्स्ट इमोशन, मेरा जो पहला इमोशन था, जो मेरी पहली भावना थी, ऑन फेसिंग, सामना करके अंटार्कटिका एक्सपांसिव व्हाइट लैंडस्केप,
एक्सपांसिव मतलब फैली हुई विस्तृत, व्हाइट लैंडस्केप सफेद परिदृश्य। तो अंटार्कटिका का जो फैला हुआ सफेद परिदृश्य है उसका सामना करके एन अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन और एविरल, अनइंटरप्टेड का मतलब एविरल, जिसके अंदर कोई रुकावट ना हो, कोई बाधा ना हो, ब्लू होरिजन कहते हैं नीले क्षितिज को। तो एविरल नीले क्षितिज को और अंटार्कटिका के फैले हुए सफ़ेद रंग के परिदृश्य का सामना करके जो मेरी फर्स्ट इमोशन थी, पहली जो मेरी भावना थी वॉज ए रिलीफ। वो क्या थी? रिलीफ यानी राहत। मेरे को राहत महसूस हुई जब मैंने अंटार्कटिका को देखा जा करके। सबसे पहली जो फीलिंग है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर, और क्वेश्चन है भी ये कि राइटर जब अंटार्कटिका पे पहुंच गई थी तो उनका फर्स्ट इमोशन क्या था अंटार्कटिका को देखने के बाद। तो फर्स्ट इमोशन उनका क्या था? रिलीफ। उनको रिलीफ महसूस हुई, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और रिलीफ के बाद में क्या हुआ? इमीडिएट मतलब तुरंत, प्रोफाउंड मतलब गहरा, वंडर आश्चर्य को बोलते हैं। तो एक तुरंत ही बहुत ही गहरा आश्चर्य भी मेरे को हुआ। सबसे पहले तो रिलीफ राहत महसूस करी और उसके बाद में इनको बहुत ज़्यादा गहरा आश्चर्य महसूस हुआ अंटार्कटिका को देखकर। अब आश्चर्य क्यों महसूस हुआ आगे दिए, उसका कारण भी वंडर एट इट्स इमेंसिटी। इट्स यानी अंटार्कटिका की इमेंसिटी कहते हैं अनंतता को, विशालता को बोलते हैं। तो इसकी विशालता को देख करके मेरे को आश्चर्य हुआ, यानी इतना ज़्यादा विशाल है अंटार्कटिका महाद्वीप, उसको देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गई। इट्स आइसोलेशन, और किस चीज़ पे आश्चर्य हुआ? आइसोलेशन कहते हैं अलगाव को, यानी अंटार्कटिका पूरी पृथ्वी से कटा हुआ है, पूरे देशों से कोई भी देश नहीं है उसके आसपास, तो बहुत ज़्यादा आइसोलेट है, अलग थलग पड़ा हुआ है। तो वो चीज़ देख करके ये कह रही है कि मुझे आश्चर्य हुआ, बट मेनली लेकिन मुख्य रूप से एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, वो समय कैसा रहा होगा। यानी मुख्य रूप से जो इसको आश्चर्य हुआ राइटर को, वो ये बात बता रही है कि वो टाइम कैसा रहा होगा व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब इंडिया और अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास। लैंड मास कहते हैं भूपिंड को, जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूपिंड के भाग रहे होंगे। यानी बहुत पहले की बात कर रही है, कल्पना कर रही है, सोच रही है कि कभी अंटार्कटिका और भारत जो है वो एक ही भूपिंड के हिस्से थे, तो वो टाइम कैसा रहा होगा। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अंटार्कटिका पर पहुंचने के बाद में जो फीलिंग थी, इमोशन थी राइटर की, वो क्या थी? फर्स्ट फीलिंग तो रिलीफ, उसके बाद में प्रोफाउंड वंडर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य किस पर हुआ? तो अंटार्कटिका की इमेंसिटी यानी विशालता को देखकर, उसके आइसोलेशन को देखकर, और साथ में मुख्य रूप से आश्चर्य हुआ कि वो टाइम कैसा रहा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही भूखंड के हिस्सा रहे होंगे। 650 मिलियन ईयर से वो, यानी कि 650 मिलियन साल पहले, 650 मिलियन को 65 करोड़ साल पहले, ए जाइंट एमलगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट। जाइंट कहते हैं विशाल, एमलगमेटेड कहते हैं एकीकृत, साउथर्न मतलब दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं महाद्वीप को, कि 65 करोड़ साल पहले बहुत ही विशाल एकीकृत दक्षिणी महाद्वीप जिसका नाम था गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट, वो वास्तव में अस्तित्व में था। यानी सबसे पहले 65 करोड़ साल पहले गोंडवाना नाम का एक बहुत ही सुपर कॉन्टिनेंट, बहुत विशाल एक महाद्वीप अस्तित्व में था, सेंटर्ड और ये स्थित था रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। जो प्रेजेंट डे का अंटार्कटिका है, वर्तमान काल का जो अंटार्कटिका है अभी आज के टाइम का, उसके चारों तरफ ये गोंडवाना था, यानी अंटार्कटिका इसके बीच में था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तो उस टाइम पर जो थिंग्स थी, चीज़ें थी, बातें थी, वो डिफरेंट थी, अलग थी। ह्यूमन्स हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, ह्यूमन जो है, इंसान जो है, हैडेंट अराइव्ड नहीं पहुंचा था ऑन द ग्लोबल सीन, वैश्विक दृश्य में, यानी इंसान का अभी तक जन्म नहीं हुआ था, इंसानों ने अभी तक जन्म नहीं लिया था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था यानी जलवायु, मच वार्मर, वो और ज़्यादा गर्म था, यानी बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु थी उस टाइम। होस्टिंग, होस्ट का अर्थ होता है निवास करना, ए ह्यूज वैरायटी, ह्यूज कहते हैं विशाल, वैरायटी किस्म को बोलते हैं, तो एक बहुत ही विशाल किस्म निवास करती थी, ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा कहते हैं वनस्पति को और फौना कहते हैं जीव जंतुओं को, तो वनस्पति और जीव जंतुओं की एक ह्यूज वैरायटी है उस टाइम निवास करती थी इस गोंडवाना महाद्वीप के ऊपर। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, यानी 50 करोड़ साल तक गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना आए, वो फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम, लेकिन उस समय के आसपास, व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर्स जो हैं वो वाइप आउट हो गए यानी लुप्त हो गए, एंड द एज ऑफ मैमल्स, और एज कहते हैं युग को, मैमल्स कहते हैं स्तनधारी जीवों को,
और जो मैमल्स जैसे स्तनधारी जो जीव हैं उनका युग गोट अंडर वे विकसित हुआ। तो 50 करोड़ साल तक तो गोंडवाना फलता फूलता रहा, लेकिन ये बता रहे हैं कि उस टाइम जब डायनासोर वाइप आउट हो गए, विलुप्त हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे और स्तनधारियों के युग का विकास हुआ, द लैंड मास, तो ये जो भूपिंड था, ये जो गोंडवाना था, वॉज फोर्स टू सेपरेट इंटू कंट्रीज, फोर्स टू सेपरेट, ये अलग अलग हो गया इंटू कंट्रीज और देशों में बंट गया। ये बहुत बड़ा महाद्वीप था गोंडवाना, लेकिन बता रहे हैं कि ये लैंडमास जो है वो सेपरेट हो गया और अलग अलग देश बन गए, सेपिंग द ग्लोब, और इसने पृथ्वी को आकार दे दिया मच एज वी नो इट टूडे, जैसा कि हम आज इसको जानते हैं, इस तरह की पृथ्वी जो है वो बन गई। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ, अब अंटार्कटिका का विजिट करना यानी अब अंटार्कटिका पर जाना इज टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का भाग बनने के समान है, यानी पुराने इतिहास का भाग बन जाते हैं यदि हम अंटार्कटिका पर जाते हैं तो उसके बारे में हम नॉलेज ग्रैंड करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। टू गेट ए ग्रास, ग्राफ्स कहते हैं समझना, ग्रहण करना, टू गेट ए ग्राफ्स, हम समझ ग्रहण करते हैं ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हिडिंग, और हम संभवतः किस दिशा में जा रहे हैं, यानी इंसान का पृथ्वी पर जन्म किस तरह से हुआ, कहाँ से इंसान की उत्पत्ति हुई, और इंसान अभी वर्तमान में आगे किस दिशा में बढ़ रहा है, आगे भविष्य इंसान का क्या होने वाला है, ये चीज़ हमें अंटार्कटिका पर जाकर ही पता चलती है। इट्स टू अंडरस्टैंड, समझना द सिग्निफिकेंस, महत्व को, सिग्निफिकेंस कहते हैं महत्व को, तो महत्व को समझना ऑफ कॉर्डिलेरन फॉल्स, कॉर्डिलेरन फॉल्स कहते हैं समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं को, तो समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके मोड़ों को समझना, उनके मोड़ों के महत्व को समझना कि किस तरीके से समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय पर्वत या इनका निर्माण किस तरीके से हुआ। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सेल्स, और प्री कैम्ब्रियन कहते हैं प्रागैतिहासिक कालीन, तो प्रागैतिहासिक कालीन ग्रेनाइट की सील्स जो हैं उनके महत्व को समझना, यानी ग्रेनाइट पृथ्वी के अंदर जितने भी ग्रेनाइट या दूसरे जो तत्व हैं वो किस तरीके से आए वो हमें अंटार्कटिका से पता चलता है। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन के बारे में जानकारी हमें अंटार्कटिका पर जाने पर मिल जाती है, इसके महत्व को समझना, इवोल्यूशन इनका उद्भव किस तरह से हुआ, एंड एक्सटिंक्शन और इनका एक्सटिंक्शन यानी विलोपन किस तरीके से हुआ, यानी जो चीज़ें आई है पृथ्वी के ऊपर उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे इंसान आया है तो इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे विकसित हुआ, एंड एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का ना विलोपन, जैसे डायनासोर हैं और दूसरे कई प्रकार के जीव जंतु हैं वो लुप्त हो गए हैं तो किस तरीके से उनका विलोपन हुआ वो भी हमें अंटार्कटिका पर जाने से ही पता चलता है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल, जब आप इस सब के बारे में सोचते हैं, दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर, कि ये सारी जो बातें हैं वो 1 मिलियन साल के अंदर हुई है, यानी 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख साल, जब आप ये सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि ये सब 10 लाख सालों के अंदर हो गया, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग, माइंड बॉगलिंग कहते हैं दिमाग चक्कर खा जाता है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि 10 लाख बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड है, इसके अंदर इतना सब कुछ हो गया, इंसान आ गया, पर्वत श्रृंखलाएं बन गई वगैरह वगैरह, तो हमारा दिमाग है वो चक्कर खा जाता है। इमेजिन, कल्पना करिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया को उत्तर की तरफ धकेल दिया गया, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और एशिया को धक्का मारते हुए टू बकल इट्स क्रस्ट, और इसकी क्रस्ट को यानी इसकी चोटी को झुकाते हुए, एंड फॉर्म द हिमालयस, और हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं बनाते हुए इंडिया का निर्माण हो गया। तो गोंडवाना से इंडिया का निर्माण कैसे हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद रखें, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया को उत्तर की तरफ धकेल दिया गया, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और एशिया को धक्का मारते हुए, जैम काटो धक्का मारना धकेलना, टू बकल, बकल का तो झुकाना, इट्स क्रस्ट, और एशिया की चोटी को झुकाते हुए, एंड फॉर्म द हिमालयाज, और हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं बनाते हुए इंडिया अलग हो गया गोंडवाना से। साउथ अमरीका, और साउथ अमरीका जो था यानी दक्षिणी अमरीका, ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन, ड्रिफ्टिंग ऑफ कर तैरते हुए चला गया टू ज्वाइन नॉर्थ अमरीका, और उत्तरी अमरीका से जा करके जुड़ गया। ओपनिंग अप द डायरेक्ट पैसेज, और इससे क्या हुआ, डायरेक्ट पैसेज है उसका निर्माण हो गया बीच के अंदर, टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कम पोलर करेंट, और साथ में क्या हुआ, कोल्ड मतलब ठंडी, सर्कम पोलर करेंट कहते हैं ध्रुव चक्रीय धाराओं को,
और ठंडी ध्रुव चक्रीय धाराएं हैं उनका निर्माण हो गया और ड्रेक पैसेज का निर्माण हो गया। इस तरीके से जो साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, वो उत्तरी अमेरिका से मिल गया। तो ये ड्रेक पैसेज का निर्माण हुआ और इसके अंदर ध्रुव चक्रीय धाराएं चलती है ठंडी, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड। और अंटार्कटिका है वो जमा हुआ रह गया, डिसोलेट, बंजर रह गया, अकेला रह गया, अलग थलग पड़ गया, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के पेंदे में चला गया, यानी सबसे नीचे। ग्लोब आप देखेंगे पृथ्वी का, तो उसके अंदर सबसे नीचे ही नीचे अंटार्कटिका है। तो इस तरीके से निर्माण हुआ था धीरे धीरे देशों का। तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं क्वेश्चन, यदि आपसे परीक्षा में कोई पूछा जाए तो। आगे राइटर कहते हैं, फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। सन वर्शिपिंग कहते हैं सूर्य की पूजा करने वाला, सूर्य की पूजा करने वाला मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में निवास करने वाला साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय, लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह, यानी मेरी तरह का कोई भी इतनी ज़्यादा गर्मी में रहने वाला दक्षिण भारतीय व्यक्ति, 2 weeks इन ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर 2 हफ्ते बिताना वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम, जहाँ पर पृथ्वी की कुल आइस वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं मात्रा को, जहाँ पर पृथ्वी की कुल बर्फ की मात्रा का 90% स्टोर्ड, एकत्रित हो, इकट्ठा हो, इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट। तो कंपा देने वाली संभावना बढ़ जाती है, चिलिंग प्रोस्पेक्ट। तो ये कहते हैं गर्मी के अंदर, यानी साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हम सभी जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि गर्मी के अंदर इतने ज़्यादा गर्म क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति 2 हफ्ते जब अंटार्कटिका पे बिताता है, जहाँ पर 90% पृथ्वी की कुल बर्फ की मात्रा की 90% अंटार्कटिका पर है, तो चिलिंग प्रोस्पेक्ट बनती है, यानी कंपा देने वाली संभावना बन जाती है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, ना केवल परिसंचरण तंत्र के लिए, एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, ना केवल हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, यानी उपापचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं वो होती है जो हमारे भोजन को ऊर्जा में बदलती है शरीर के अंदर, तो ना केवल परिसंचरण तंत्र और उपापचय क्रियाओं के लिए, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि कल्पना के लिए भी, हमारी कल्पना है वो भी चक्कर खा जाती है, यानी हम इतना कुछ वहाँ पर देखते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसमें से आप ध्यान में रखें कि 2 हफ्ते राइटर ने वहाँ पे बिताए थे अंटार्कटिका पर, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे दिया 2 weeks इन ए प्लेस, 2 हफ्ते वहाँ पे बिताए थे। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू, अब अंटार्कटिका पर चलना किस तरह का लगता है वो बताया है, इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल, जाइंट विशाल, पिंग पोंग बॉल कहते हैं टेबल टेनिस की गेंद को, तो एक टेबल टेनिस की गेंद, बहुत ज़्यादा विशाल टेबल टेनिस की गेंद होती है, उसके अंदर चलने जैसा लगता है अंटार्कटिका पर जब हम चलते हैं, तो डिवॉइड ऑफ का मतलब वंचित होना, एनी ह्यूमन मार्कर्स, और वो गेंद किसी भी मानवीय निशान से वंचित हो, यानी ऐसी बहुत एक विशाल गेंद जिसके अंदर कोई भी मानव का निशान ना हो, कोई भी ह्यूमन चीज़ यानी मकान ना हो, पेड़ पौधे ना हो, कोई गाड़ियाँ कुछ ना हो, तो उसके अंदर चलने जैसा लगता है। नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं है वहाँ पर, बिलबोर्ड्स, कोई सूचना पट वहाँ पे नहीं है, बिल्डिंग्स, कोई भी भवन नहीं है वहाँ पर, तो ऐसा वहाँ पे हमें महसूस होता है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, यू लूज आप खो देते हैं ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव कहते हैं परिप्रेक्ष्य को, पृथ्वी के संबंध में जितनी भी समझ का परिप्रेक्ष्य आपको है, पृथ्वी की समझ जितनी भी आपको, वो सारी आप वहाँ पे खो देते हैं, एंड टाइम ही है, और टाइम भी वहाँ पे आप खो देते हैं, टाइम का भी वहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है कि इतना टाइम, या टाइम जो पृथ्वी पे हम यूज करते हैं कि सुबह 7 बज गए, 9 बज गए, इस तरह का टाइम वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे दिन है तो दिन चलता रहता है, कब रात होगी पता नहीं चलता है, और रात होती है रात चलती रहती है। इसलिए आप 2 चीज़ें वहाँ पे पृथ्वी के समझ में, यानी पृथ्वी पे हम रहते हैं इससे जितनी भी जुड़ी हुई समझ हमारे अंदर है वो वहाँ पे लागू नहीं होती है, और टाइम भी हम वहाँ पे खो देते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस, अब जो दृश्य पैमाना है, विजुअल स्केल यानी हमें वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे सकती है, रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, वो माइक्रोस्कोपिक कहते हैं सूक्ष्मतम, टू द माइटी, माइटी कहते हैं विशालतम, वो सूक्ष्मतम से लेकर के विशालतम तक है, यानी सबसे छोटी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ें वहाँ पे क्या होती है, देखिए मिजेस एंड माइट्स, मिजेस कहते हैं मच्छरों को, माइट्स एक प्रकार का छोटा मच्छर जैसा ही कोई लकड़ी को खाने वाला सा जीव होता है जिसको कुटकी बोलते हैं अपने, तो आप मिजेज और माइट से लेकर के टू ब्लू वेल्स, ब्लू वेल जो मछली होती है बहुत विशाल, एंड आइस बर्ग्स और बड़े बड़े जो बर्फ के खंड होते हैं आइस बर्ग्स, एज बिग एज कंट्रीज, देशों जितने बड़े, एक देश कितना बड़ा होता है उतने बड़े बड़े वहाँ पे आपको आइस बर्ग मिलेंगे। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड, सबसे जो बड़ा
आइसबर्ग है वो रिकॉर्ड किया गया था, वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम देश के आकार जितना आइसबर्ग वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था और सबसे बड़ा ये माना गया था। डेज गो, अब दिन कैसे वहाँ पे चलते रहते हैं, डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दिन वहाँ पे चलते ही रहते हैं। इन सीरियल 24 आवर ऑस्ट्रियल समर लाइट, सीरियल कहते हैं असंगत, यानी जो अति यथार्थवादी होता है उसको बोलते हैं अवास्तविक। 24 घंटे ऑस्ट्रियल समर लाइट, यानी गर्मी की जो लाइट होती है समर लाइट, गर्मियों की रोशनी, 24 घंटे दिन चलते ही रहते हैं। एंड यूबिक्यूटस साइलेंस, यूबिक्यूटस का अर्थ होता है सर्वव्यापक, और एक सर्वव्यापक चुप्पी यानी चारों तरफ शांति ही शांति आपको दिखाई देगी। इंटरप्टेड, और इस शांति के अंदर बाधा डाली जाती है, रुकावट डाली जाती है, ओनली बाय द ओकेशनल अवलांस, कभी कभी, ओकेशनल मतलब कभी कभी, अवलांस मतलब हिमस्खलन, यानी कभी कभी बर्फ नीचे गिरती है तो उसकी जो आवाज़ आती है वो इस शांति को बाधा डालती है, इसके अंदर उसी की आवाज़ केवल हमें सुनाई देती है। और कार्विंग आइस शीट या फिर बर्फ की जो परतें हैं वो टूटती है, गिरती है, वो आवाज़ आती है, वो हमें सुनाई देती है, और वहाँ पे कुछ भी हमें सुनाई नहीं देता है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, इस स्थान को कॉन्सिक्रेट का अर्थ होता है पवित्र बना देना। तो इतनी ज़्यादा शांति है, यूबिक्यूटस साइलेंस है वहाँ पर, और इस साइलेंस के अंदर केवल जो हमें आवाज़ सुनाई देती है वो केवल बर्फ़ खिसकने की या बर्फ़ की परतें टूटने की आवाज़ है, वो इस स्थान को बहुत ही पवित्र बना देती है। इट्स एन इमर्सन डेट, इमर्सन कहते हैं तल्लीनता को, खो जाने की क्रिया को, तो ये एक तल्लीनता है कि डेट विल फोर्स यू, जो आपको फोर्स कर देगी, मजबूर कर देगी टू प्लेस योर सेल्फ, कि आप अपने आप को रखें इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि आप अपने आप को पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास के संदर्भ में अपने आप को रखें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ का अर्थ होता है के संदर्भ में, ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास के संदर्भ में आप अपने आप को रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इतने आप वहाँ पे तल्लीन हो जाओगे कि आप पृथ्वी का इतिहास है वो जानने को बड़े उत्सुक होंगे, इतनी अजीब अजीब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी और आपकी इमेजिनेशन से भी परे है वो सारी चीज़ें। एंड फॉर ह्यूमंस, और इंसानों के लिए द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, पूर्वानुमान अच्छा नहीं है, यानी इंसान तो उन चीज़ों का पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड, मानवीय सभ्यताएं रही है पूरे पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, यानी एक पाल्ट्री कहते हैं नगण्य, 12,000 साल के थोड़े से टाइम से ह्यूमन सभ्यताएं जो है, मानवीय सभ्यताएं वो रही है, बेयरली फ्यू सेकेंड्स, और ये मुश्किल से कुछ ही सेकेंड्स का टाइम है ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, भौगोलिक घड़ी पर, यानी भौगोलिक घड़ी की बात करें जैसे 65 करोड़ साल से गोंडवाना था तो 12,000 साल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो कुछ ही सेकेंड है उसके मुकाबले। इन दैट शॉर्ट टाइम, उस थोड़े से समय में, वी हैव मैनेज टू क्रिएट, हमने निर्माण कर लिया है क्वाइट ए रकस, रकस कहते हैं उथल पुथल को, हमने उथल पुथल कर दी है, एचिंग अवर डोमिनेंस, एचिंग कहते हैं निर्धारित करना, डोमिनेंस कहते हैं प्रभुत्व को, हमने प्रभुत्व निर्धारित कर लिया है ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर हमने हमारा प्रभुत्व है वो स्थापित कर लिया है, विद अवर विलेजेस, गाँव का निर्माण करके, टाउन्स नगरों का निर्माण करके, सिटीज शहरों का निर्माण करके, मेगा सिटीज और महानगरों का निर्माण करके, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, रैपिड इंक्रीज कहते हैं तेज गति से बढ़ोतरी होना, तो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर जो तेज गति से बढ़ोतरी हो रही है, हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग, उसने हमें लड़ने के लिए छोड़ दिया है विद अदर स्पेसीज, दूसरी प्रजातियों के साथ, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों के लिए, जो संसाधन है पृथ्वी पर वो सीमित है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हम दूसरी जो स्पेसीज है उनके साथ हमेशा लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अनमिटिगेटेड का अर्थ होता है कभी ख़त्म नहीं होने वाला, बर्निंग का अर्थ होता है दहन, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं जीवाश्म ईंधन को, और जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला जीवाश्म ईंधन का जो दहन हम करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल जलाते हैं गाड़ियों में, या फिर लकड़ियां हैं, कई बार जंगलों में आग लग जाती है, वो जो है हैज़ नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट, उससे एक चद्दर का निर्माण हो गया है, ब्लैंकेट का निर्माण हो गया है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर बन गई है अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों तरफ, विच इज स्लोली, जो धीरे धीरे बट श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से, इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो औसत वैश्विक तापमान है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, उसको धीरे धीरे बढ़ा रहा है, यानी पृथ्वी है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है, इतना ज़्यादा प्रदूषण पृथ्वी के ऊपर फैलता जा रहा है, जिससे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन गई है, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है।
आगे कह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स। हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता में किया जाने वाला वातावरणीय वाद विवाद का विषय। तो ये भी क्लाइमेट चेंज है, वो एक विषय रहा है सबसे ज़्यादा जिस पर वाद विवाद किया जाता है, वातावरण से संबंधित जलवायु परिवर्तन ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का यानी वर्तमान काल में। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या पश्चिम जो अंटार्कटिक बर्फ की परत है मेल्ट पिघल जाएगी, एंटायरली मतलब पूरी तरह से, क्या पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ की शीट जो है वो पूरी तरह से पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करेंट, क्या गल्फ स्ट्रीम ओशियन महासागरीय करेंट जो है धारा है भी डिसरप्टेड, वो अपना रास्ता छोड़ देगी यानी विचलित हो जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या पृथ्वी का एंड हो जाएगा, क्या दुनिया का एंड हो जाएगा एज वी नो इट, जैसा कि हम जानते हैं। मे बी हो भी सकता है, मे बी नॉट और नहीं भी हो सकता। आगे ईदर वे, चाहे कुछ भी हो, आगे आपको बता दें ईदर वे चाहे कुछ भी हो, अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट, अंटार्कटिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है इन दिस डिबेट, इस वाद विवाद में। Not just because it's the only place in the world, इसलिए नहीं क्योंकि ये दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है which has never sustained a human population, जिसके ऊपर कभी human population है वो नहीं रही है, sustain मतलब बनी हुई रहना, and therefore remains relatively pristine in this respect, और इसीलिए ये remain मतलब रहना, relatively कहते हैं सापेक्षिक रूप से, pristine कहते हैं पवित्र यानी शुद्ध, in this respect इस संबंध में। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कभी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है वो नहीं रही है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा पवित्र रहा है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके बारे में जो बात है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, क्योंकि ये अपने जो आइस कोर्स हैं, बड़े बड़े बर्फ के जो खंड हैं, हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, तो उनके अंदर 500,000 साल पुराने कार्बन के जो रिकॉर्ड्स हैं ट्रैप्ड, वो धसे पड़े हैं इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, इसकी बर्फ की परतों में, यानी बड़े बड़े जो पहाड़ हैं बर्फ के, उनकी परतों के अंदर 500,000 साल पुराने बर्फ के सॉरी जो कार्बन के रिकॉर्ड्स हैं वो दबे हुए पड़े हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंटार्कटिका एक क्रूशियल एलिमेंट है इस वाद विवाद में। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं या फिर एग्जामिन करना चाहते हैं द अर्थ पास्ट, पृथ्वी के भूतकाल का, प्रेजेंट वर्तमान काल का, एंड फ्यूचर या फिर भविष्य काल का, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो, तो अंटार्कटिका वो स्थान है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, अब एक प्रोग्राम के बारे में आपको बताया जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था आई वॉज वर्किंग विद, जिसके तहत मैं काम कर रही थी ऑन आइल सोकेल्स की, आइल सोकेल्स की जहाज पर। एम्स टू डू, इसका लक्ष्य क्या था, एग्जैक्टली दिस, इसका लक्ष्य बिल्कुल ठीक ये था, बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, की हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको लेके जाना टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंत तक, दुनिया के कोनों तक, एंड प्रोवाइडिंग देम, और उनको प्रदान करना विद अम्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, निर्णायक शैक्षिक अवसर उनको प्रदान करना हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को, विच विल हेल्प देम, जो उनकी मदद करेंगे, फोस्टर का मतलब प्रोत्साहित करना, ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग को प्रोत्साहित करेंगे, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान, रिस्पेक्ट उनके अंदर पैदा होगा फॉर आवर प्लानेट, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे ग्रह के लिए। तो ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसके तहत जो टिशानी डोसी हैं जो यहाँ पे अंटार्कटिका पे आई थी आइल सोकेल्स की जहाज को लेकर के, इसका लक्ष्य बताया, क्या लक्ष्य था, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना और उनको निर्णायक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देना, जिससे उनके अंदर समझ आए हमारे प्लानेट के प्रति, और प्लानेट के प्रति उनके अंदर रिस्पेक्ट की भावना पैदा हो। इट्स बीन एन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स नाउ, ये 6 साल का एक ऑपरेशन था, 6 साल का एक अभियान था, हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, किसके द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा था, कैनेडियन जियोफ ग्रीन, कैनेडा के एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था जियोफ ग्रीन, हु गोट टायर्ड ऑफ, जो थक चुका था, उब चुका था, टायर्ड ऑफ हो गया था कार्टिंग ले जाने से, सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड
सेलिब्रिटीज को, रिटायर्ड सेवानिवृत्त व्यक्तियों को, रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स और अमीर जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको, हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, ये लोग वापस एक सीमित तरीके से ही वापस लौटा सकते थे। यानी जो भी वहाँ पे अंटार्कटिका पे इनको दिया जाता, ज्ञान दिया जाता या जो भी सीख इनके अंदर आती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उम्र के होते थे और बहुत ही लिमिटेड वे के अंदर वापस पृथ्वी के ऊपर आकर के लोगों को बता पाते थे। इसलिए जो कैनेडियन जी ऑफ ग्रीन जो हैं वो थक चुके थे सेलिब्रिटी, रिटायर्ड, रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स इनको ले जा करके, पहले ये इनको ले जाते थे, इसलिए इन्होंने बच्चों को ले जाना शुरू किया। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, अब जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, वो भविष्य की पीढ़ी को देते हैं, और पॉलिसी मेकर्स यानी जो पॉलिसी मेकर्स जो भविष्य की पीढ़ी है, भविष्य की नीतियाँ निर्धारित करने वाली जो पीढ़ियाँ हैं स्टूडेंट्स, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, उनको वो इस प्रोग्राम के तहत एक जीवन बदल देने वाला अनुभव प्रदान करते हैं। एट एन एज, एक ऐसी उम्र पर, वेन दे आर रेडी टू एब्सॉर्ब, जब वो ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, लर्न सीखने के लिए तैयार हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक्ट कार्य करने के लिए तैयार हैं। यानी स्टूडेंट्स को वो ऐसा अनुभव देते हैं ताकि वो पृथ्वी के ऊपर आकर के दूसरे लोगों को लंबे समय तक बता सके और उस ज्ञान का सदुपयोग कर सके। इसलिए इन्होंने स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू किया, और जो बुजुर्ग लोग होते थे पहले उनको लेके जाते थे, उनको ले जाना बंद कर दिया। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, वह कारण जिसकी वजह से ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, इज बिकॉज, वो क्या कारण था, इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर, कि कहीं पर भी जाना, नियर द साउथ पोल, साउथ पोल के आसपास कहीं पर भी जाना, दक्षिणी ध्रुव के पास कहीं पर भी जाना, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और इसके द्वारा प्रभावित ना होना, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। यानी इस अंटार्कटिका पे कोई जाएगा तो वो उससे प्रभावित जरूर होगा। इट्स ईजी टू बी ब्लेस, ब्लेस कहते हैं उदासीन बने रहना, उदासीन बने रहना आसान है। अबाउट पोलर आइस कैप्स, ध्रुवीय जो बर्फ की चादरें हैं मेल्टिंग, उनको पिघलते हुए देखना, वाइल्ड सीटिंग इन द कंफर्ट जोन, जबकि हम अपने आरामदायक क्षेत्र में बैठे रहते हैं, ऑफ ओवर परस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हमारे परिप्रेक्ष्य लेटीट्यूड यानी अक्षांश, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, हमारे अक्षांश और देशांतर के अंदर आरामदायक कंफर्ट जोन के अंदर बैठे बैठे पोलर आइस केप को पिघलते हुए देखना या उनकी बातें करना बहुत आसान है। बट वेन यू कैन विजिबली सी, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हो ग्लेशियर्स, बड़े बड़े ग्लेशियर को रिट्रीटिंग, पीछे हटते हुए, एंड आइस सेल्स कोलैप्सिंग, और बर्फ के जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनको ढहते हुए, कोलैप्स होते हुए जब आप देखते हो अपनी आंखों से, यू बिगिन टू रियलाइज दैट, तो आप ये महसूस करना शुरू कर देते हो द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग की जो थ्रेट है, जो खतरा है, इज़ वेरी रियल, वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा वास्तविक है। यानी कोई ऐसे ही बात नहीं कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका क्योंकि उसका जो इकोसिस्टम है, जैव तंत्र है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एंड लैक ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जैव विविधता को, और वहाँ पर जैव विविधता की कमी है, इज़ द परफेक्ट प्लेस, इसलिए वो बहुत ही परफेक्ट स्थान है, परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी, इस बात का अध्ययन करने के लिए, हाउ लिटिल चेंजेस, कि किस तरीके से छोटे छोटे परिवर्तन इन द एनवायरनमेंट, वातावरण के अंदर जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, कैन हैव बिग रिपरकशंस, उनकी बड़ी प्रतिक्रियाएँ हो सकती है, रिपरकशंस कहते हैं प्रतिक्रियाओं को, परिणाम। तो अंटार्कटिका एक बहुत ही अच्छा स्थान है, क्योंकि वहाँ पे इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और बायोडाइवर्सिटी है जो जैव विविधता, उसकी कमी है वहाँ पर, तो इसलिए छोटे छोटे चेंज किस तरीके से बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं देते हैं, उससे बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, तो अच्छा एक स्थान है इस बात का अध्ययन करने के लिए। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंकटन, एक उदाहरण लेकर के बता रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंकटन, इसका हम उदाहरण लेते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक का होता है सूक्ष्मतम, फाइटोप्लैंकटन एक प्रकार की घास होती है, आगे दिया है आपको पता चल जाएगा, तो फाइटोप्लैंकटन का हम उदाहरण लेते हैं, दोज ग्रासेस ऑफ सी, ये समुद्र की जो घास है, दैट नरिश एंड सस्टेन, नरिश का मतलब पोषण करना, सस्टेन का मतलब बनाए रखना, जो पोषण करती है और बनाए रखती है, एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, पूरे दक्षिणी महासागर की जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, यानी जो भी जीव जब वहाँ पे रहते हैं वो सारे के सारे फाइटोप्लैंकटन के ऊपर निर्भर होते हैं। दीज सिंगल सेल प्लांट्स, और ये फाइटोप्लैंकटन क्या है, एक कोशिकीय पौधे होते हैं, सिंगल सेल प्लांट्स होते हैं, यूज द सन्स एनर्जी, ये सूरज की एनर्जी का यूज करते हैं,
टू असिमिलेट कार्बन, कार्बन का असिमिलेट कहते हैं पाचन करना, कार्बन का पाचन करने में, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और किसका सिंथेसाइज करते हैं, किसका संश्लेषण करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक यौगिकों का, इन दैट वॉन्ड्रस, उस अद्भुत एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोसेस, प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो ये जो फाइटोप्लैंकटन, जो घास है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर क्या करती है, सूरज की सन से एनर्जी का यूज करती है कार्बन का पाचन करने में, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको संश्लेषित करने में, उस अद्भुत और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया जिसको बताया है कि प्रकाश संश्लेषण की, वो प्रक्रिया होती है। साइंटिस्ट वॉन डेट, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ए फर्दर डिप्लीशन, डिप्लीशन कहते हैं गिरावट को, इन द ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर के अंदर यदि और ज़्यादा गिरावट हुई, अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंकटन, तो उससे फाइटोप्लैंकटन जो घास है इसकी एक्टिविटी, इसकी क्रियाएं प्रभावित होगी, विच इन टर्न, जो बदले में विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द ऑल द मेरीन एनिमल्स, जिससे बदले के अंदर सारे जो मेरीन एनिमल्स हैं, समुद्री जानवर यानी समुद्री जीव जो वहाँ रहते हैं अंटार्कटिका पर, उनका जीवन है वो प्रभावित होगा, एंड बर्ड्स और पक्षियों का जीवन भी प्रभावित होगा ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के यानी अंटार्कटिका पे जो भी रहते हैं जीव जंतु, उनका जीवन प्रभावित होगा यदि फाइटोप्लैंकटन प्रभावित हुई तो, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो वैश्विक कार्बन चक्कर है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंकटन, पैराबल कहते हैं दृष्टांत को, फाइटोप्लैंकटन के दृष्टांत में यानी इसके उदाहरण में, देर इज ए ग्रेट मेटाफोर, एक बहुत बड़ा रूपक है फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का, जीवित रहने का, टेक केयर ऑफ द स्मॉल, और वो क्या है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी जो चीज़ें हैं वो अपने आप सही हो जाएगी, कि हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और बड़ी जो चीज़ें हैं, बड़ी जो बातें हैं वो अपने आप, वॉक ऑन ओशियन, महासागर के ऊपर चलना। अब इस पैराग्राफ के अंदर आपको बताया अंटार्कटिका पे जो बर्फ थी उसके ऊपर चले थे, ये तो उसके बारे में बताया है। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस, मेरा अंटार्कटिका का जो अनुभव था, वॉज फुल ऑफ सच एपिफनीज, इस प्रकार के एपिफनीज, एपिफनीज कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन को, आविर्भाव को, इस प्रकार के प्रत्यक्ष दर्शन से भरा हुआ था। बट द बेस्ट अकर्ड, लेकिन जो सबसे बढ़िया जो दृश्य हुआ मेरे सामने, मैंने देखा जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल, वो थोड़ा सा पहले हुआ था अंटार्कटिक सर्कल से, एट 65.55 डिग्री साउथ, 65.55 डिग्री दक्षिण की ओर। क्या हुआ था उस दृश्य के बारे में बता रहे हैं आगे, द सोकेल्स की हैड मैनेज टू वेज, सोकेल्स की जहाज का नाम है, सोकेल्स की जो जहाज है, मैनेज टू वेज हरसेल्फ, वेज का मतलब घुस जाना, उसने अपने आप को घुसा लिया था, ये जहाज घुस गया था, इनटू ए थिक वाइट स्ट्रेच, एक मोटी सफ़ेद स्ट्रेच ऑफ आइस, बर्फ़ के फैलाव में यानी एक पहाड़ के अंदर, एक चद्दर के अंदर बर्फ की, उसके अंदर घुस गया था, बिटवीन द पेनिनशुला एंड टेडपोल आइलैंड, पेनिनशुला यानी प्रायद्वीप और जो टेडपोल आइलैंड द्वीप है उनके बीच में कोई जगह थी, वहाँ घुस गया था, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जिससे हम और आगे जाने से ये हमें रोक रहा था, प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, आगे जाने से रोक रहा था, यानी दो पहाड़ों के, बर्फ़ के पहाड़ थे उनके बीच में फंस गया था, उनके नाम मेरे पेनिनशुला और टेडपोल आइलैंड, इनके बीच में फंस गया था। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने निश्चय किया, वी वर गोइंग टू, अब यहाँ पे दिया है कि हम जा रहे हैं टर्न अराउंड एंड बैक, हीड बैक नॉर्थ, उसने कहा वापस मुड़ेंगे और उत्तर की तरफ रवाना होंगे, बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम वापस मुड़ें, वी आर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सभी को निर्देश दिए गए टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लांक, गैंग प्लांक एक प्रकार का पुल होता है जहाज से नीचे उतरने का, कि हमें जहाज से नीचे उतरने के निर्देश दिए गए गैंग प्लांक पर से, एंड वॉक ऑन द ओशियन, और महासागर पर चलने के निर्देश दिए गए। सो देयर वी वर, तो हम सभी के सभी थे, ऑल 52 ऑफ अस, हम में से 52 के 52 यानी 52 जने, 52 मेंबर्स ये गए थे इस प्रोग्राम के तहत अंटार्कटिका पर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखें 52 ऑफ अस किटेड आउट इन गोर टेक्स एंड ग्लेयर्स, किटेड आउट करता है कपड़े वगैरह पहनना, कोई चश्मा वगैरह, गोर टेक्स एंड ग्लेयर्स, क्योंकि वहाँ पे गोर टेक्स, ग्लेयर्स का मतलब यहाँ पे चमक, सूरज का प्रकाश जब बर्फ के ऊपर पड़ के परावर्तित होता है तो बहुत गहरी चमक होती है उसकी, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे बहुत प्रकार की इनके पास चश्मा वगैरह या दूसरे कपड़े वो होते हैं, तो किटेड आउट का मतलब होता है वो सब पहनना।
वॉकिंग ऑन ए स्टार्क व्हाइटनेस, और हम एक कठोर सफेदी पे चल रहे थे, डेट सीम टू स्प्रेड, जो फैली हुई प्रतीत हो रही थी आउट फॉर एवर, दूर दूर तक, यानी कोई अंत नहीं था वहाँ पे अंटार्कटिका पे। तो एक सफेदी के ऊपर, महासागर के ऊपर ये चल रहे थे, बर्फ जमी हुई थी महासागर के अंदर। अंडरनीथ अवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, वो जो मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर चौड़ी बर्फ की परत थी, एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे यानी उस बर्फ की परत के नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, 180 मीटर लिविंग, जीवित, ब्रेथिंग, सांस लेता हुआ सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी था, यानी खारा पानी था समुंदर का उसके नीचे 180 मीटर गहरा। इन द पेरीफ्री, और एक पेरीफ्री के अंदर, एक परिधि में, क्रैब ईटर्स सील्स, क्रैब ईटर कहते हैं केकड़े खाने वाली सील्स, एक प्रकार के जानवर ही होता है ये, मछली टाइप होता है। तो क्रैब ईटर्स, केकड़े खाने वाली जो सील्स थी, वह स्ट्रेचिंग, वो फैली हुई थी, पड़ी हुई थी, एंड सनिंग डैम सेल्स, और धूप सेक रही थी ऑन आइस फ्लोज, तैरती हुई बर्फ के ऊपर, आइस फ्लो, फ्लो का अर्थ तैरना, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स। किस तरह से ये दृश्य लग रहा था, जैसे जो भटके हुए गली के कुत्ते होते हैं, विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियान ट्री, वो एक बनियान के पेड़ के नीचे यानी बरगद के पेड़ की छाया के अंदर, किस तरीके से बहुत सारे कुत्ते, जैसे मान लो 10-12 कुत्ते बैठे हैं, वो कैसे लगते हैं, उस तरीके से ये जो क्रैब ईटर सील्स हैं, ये बर्फ की चादर, तैरती हुई चादर के ऊपर पड़ी हुई थी वहाँ पे, और उस तरह से लग रही थी जैसे धूप सेक रही है। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवेलेशन, रिवेलेशन कहते हैं रहस्य उद्घाटन को, ये रहस्य उद्घाटन से कम कुछ नहीं था। एवरीथिंग डच इंडीड कनेक्ट, सब कुछ वास्तव में जुड़ा हुआ था, यानी सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी। 9 टाइम जोन्स, 9 समय क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट, 6 चौकियां, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलपिंड, एंड मैनी इकोस्फियर्स, और इतने ही जैव मंडल लेटर बाद में। तो यानी ये वापस आए पृथ्वी के ऊपर, तो इतने ही वापस पार करके ये वापस आए। आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग, अभी भी मैं सोच रही थी अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, कि ये संतुलन की जो सुंदरता थी, इन प्ले ऑन आवर प्लानेट, जो हमारे प्लानेट के ऊपर होती है, यानी अंटार्कटिका पर ये देख करके आई थी कि संतुलन की सुंदरता, कि किस तरह से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और संतुलन बना हुआ है, इसके बारे में ये आश्चर्य कर रही थी, सोच रही थी। हाउ वुड इट बी, कैसा हो, क्या हो यदि अंटार्कटिका वर टू बिकम द वॉर्म प्लेस, अंटार्कटिका फिर से गर्म स्थान बन जाए, दैट इट वंस यूज टू बी, जो कभी ये हुआ करता था, फिर से यदि अंटार्कटिका है वो गर्म स्थान बन जाए तो क्या हो। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम ये देखने के लिए जीवित रहेंगे, और वुड वी हैव गॉन द वे, या फिर हम भी उस रास्ते जा चुके होंगे, द डायनासोर, जिस रास्ते से डायनासोर गए यानी विलुप्त हो गए, मेमन एक रोएदार हाथी होता है, एंड वुली डायनोज, और उन्नी गेंडे, ये तीनों जो जानवर बताए हैं विलुप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे राइटर्स कह रही है तेशानी दोषी कि क्या हम वो देखने के लिए जीवित रहेंगे, या हम भी डायनासोर, मेमांस या वुली डायनोज या उनकी तरह विलुप्त हो जाएंगे। हु इज टू से, कौन कह सकता है, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन 2 हफ्ते बिताने के बाद, विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, बंच वैसे तो गुच्छे को बोलते हैं, यहाँ पे टीनेजर्स यानी लड़के आगे, तो यहाँ पे समूह होगा, बंच ऑफ टीनेजर्स, एक टीनेजर्स के समूह के साथ, यानी छोटे लड़कों के, 13 से 19 साल के उम्र के लड़कों के समूह के साथ, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, जिनके अंदर अभी भी आदर्शवाद है, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने का। तो उनके साथ मैंने 2 हफ्ते बिताए, ऑल आई कैन से इज दैट, जो भी मैं कह सकती हूँ वो ये है कि ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर, 10 लाख सालों में बहुत कुछ हो सकता है, बट वट ए डिफरेंस ए डे मैक्स, लेकिन एक दिन भी क्या अंतर कर सकता है, यानी एक दिन भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, अंतर पैदा कर सकता है। अब आप मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे फॉलो करने के लिए आप अन अकेडमी की लर्निंग ऐप के सर्च ऑप्शन में आप मुझे संजय कुमावत के नाम से सर्च करेंगे, और फॉलो अगर आपको नहीं करना आता है तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, उनको आप फॉलो करके मुझे फॉलो कर पाएंगे। तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ उस पर क्लिक करने के बाद में आप अन अकेडमी की लर्निंग ऐप का जो ऑप्शन आता है उसको चूज कीजिए। उसको चूज करने के बाद में आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद में आपको सबसे पहले लर्निंग ऐप वाले ऑप्शन के अंदर
मोबाइल नंबर पूछेंगे, तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास में ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद में आप उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ये देखिएगा आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल, जो ईमेल है वो डालनी है। यहाँ पर आप अपना स्टेट डाल देंगे, जिसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इस प्रकार उसके अंदर यहाँ पर यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे ऐसा कुछ लिखा रहेगा, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। मैं चाहूँगा कि आप चूज करें, थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एनडीए लिखा हुआ मिलेगा, तो आप एनडीए एयरफोर्स एंड एक्सवाई ग्रुप वाला जो है उसको चूज करेंगे। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हिंदी पे चूज करेंगे। हिंदी चूज करने के बाद में आप यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये गोल गोल वाला, इसको हम सर्च के नाम से जानते हैं, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे और सर्च यहाँ पे जब आप दबाएंगे तो आपको लिखना होगा संजय कुमावत, और संजय कुमावत लिखने के बाद में आप फिर से सर्च करेंगे तो आपको मेरा इस तरीके का फेस नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है फॉलो। ये जो फॉलो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेंगे, उसके बाद में कुछ इस पर फेस आएगा, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड बन जाएगा, तो मैं फॉलोविंग लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। फिर आप संजय कुमावत या मेरी फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो भी मैं वीडियोस डालूंगा वो सबका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप मुझे अकेडमी की लर्निंग ऐप के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।